This video is sponsored by achamall.com. Check description for more information. हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारा चैनल जेंटर 21 फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और फुल एंड डेप्थ रिव्यू मोरोई के 10,000 mAh पावर बैंक का। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोरोई एक वेल नोन ब्रांड है और बहुत सारे जो कि मोबाइल एक्सेसरीज हैं जैसे कि आपके चार्जर्स, हेडफोन्स और पावर बैंक्स, इस सब की बहुत लंबी और अच्छी खासी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो मोरोई के पास है। तो चलिए देखते हैं माय फ्रेंड्स कि कैसा है ये हम लोग का पावर बैंक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की, पैकेजिंग काफ़ी आपको सिंपल दिखता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मोरोई की ब्रांडिंग है और ये आपको एक सिंपल जी जो एक प्रोडक्ट है उसकी आपको पिक्चर मिल जाती है और एट द फ्रंट ऑफ द बॉक्स। सो इधर आपको मोरोई की ब्रांडिंग मिलेगी, इसके बगल में हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको चार्ज मिल जाए जो भी प्रोडक्ट मॉडल है, जैसे कि पावर बैंक है। इसकी जो प्राइसिंग है आप देख सकते हो 1100 rupees है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इसकी प्राइसिंग आपको मिल जाएगी 1100 rupees। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको 10,000 mAh की जो कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, व्हाट्स इनसाइड, पावर बैंक मिलेगा, आपको USB केबल मिलेगी, यूज़र मैनुअल मिलेगा और एक कैरी पाउच मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसके एक साइड हम देखते हैं तो यहाँ पे 10,000 mAh की जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको जो मैनुफैक्चरिंग डिटेल्स है सारी मिल जाएंगी और सबसे अच्छी बात यह है कि मैनुफैक्चर जो हमारे इंडिया में ही हुआ है, तो यानी कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए जल्दी से इसका हम लोग अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आपका बॉक्स ओपन करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसकी अनबॉक्सिंग काफ़ी मुझे अच्छी लगी। और ये हम लोग अपना पावर बैंक निकालते हैं, पावर बैंक को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि हमको एक्सेसरीज में क्या क्या मिलता है। तो ये रहा हम लोग का एक्सेसरीज अंदर, ये हमें और कुछ नहीं मिलता है, इसको हम एक साइड रखते हैं। और इसके अंदर में एक सिंपल सी वाइट कलर की बॉक्स मिलती है जिसके अंदर हमें देखते क्या मिलता है। इसके अंदर में मिलता है एक चार्जर, बहुत अच्छी बात है माय फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंप्रेसिव है। पावर बैंक्स में आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है। ये टाइप सी पोर्ट है, मतलब आपको जो टाइप सी सपोर्टेड जो फोन्स स्मार्टफोन्स है उसको आराम से ये चार्ज कर देगा, तो काफ़ी इंप्रेसिव है। और इसकी जो क्वालिटी है लीड की ये भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। उसके साथ साथ आपको मिलता है इसके अंदर एक पाउच। सो फ्रेंड्स, एक आप समझ सकते हो कि ये पहली बार मैंने कोई ऐसा पावर बैंक दिखाया है जिसके अंदर आपको पाउच मिलती है इसकी सेफ्टी के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसको भी हम बाद में आगे देखेंगे कैसा है। और इसके अंदर में मिलता है माय फ्रेंड्स हमको एक वारंटी कार्ड ये आपको मोरोई का मिलती है, 1 year ऑफ गारंटी, मतलब आपको रिप्लेसमेंट गारंटी मिलती है इसकी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये विजुअल मैनुअल से जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हो, तो चलिए इसको अलग रखते हैं हम लोग। और बात होगा पावर बैंक, और ये कुछ आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये जो पाउच है इस पावर बैंक के साथ मिला हुआ है, मैं उसे इसमें डाल चुका हूँ। तो आइए, काफ़ी सेफ्टी वाली बात है क्योंकि अगर आप कहीं भी जाते हो तो इसको आप पाउच में डाल के आप कहीं भी जेन्युइनली रख सकते हो, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके आगे जो आप बटन दे सकते हो ये काफ़ी अच्छी है, ये आपको अच्छी जो है फीलिंग देती है, वुडन फीलिंग, लेकिन हालांकि ये मुझे प्लास्टिक लग रही है। उसके आगे मैं बात करता हूँ इसकी मटेरियल की, जो यूज़ की गई है जो क्लोथ इसमें, ये भी काफ़ी अच्छी है और ड्यूरेबल है, ये जल्दी आपका टॉर्न अप नहीं होगा, फटेगा नहीं। उसके बाद अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये रहा हम लोग का पावर बैंक आप देख सकते हो। और ये पाउच मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपको एक अच्छा एडवांटेज देता है। आजकल के समय में जो जैसे कि प्रोडक्ट्स जो कंपनीज है वो प्राइस कटिंग के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा लगा कि एक कोई ऐसा ब्रांड भी जो आपको एक सेफ्टी के लिए अलग से पाउच भी देता है। तो हम बात करते हैं अपने आते पावर बैंक पे, तो पावर बैंक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, टेक्सचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये टेक्सचर एक अच्छा फीलिंग देता है, हाथ में ग्रिप मतलब लाता है कि आप अगर इसको इस्तेमाल करते हो तो हाथ से जल्दी आपका फिसलेगा नहीं। और एक और बात है कि ये जो पावर बैंक का जो हम लोग कंसेप्ट है माय फ्रेंड्स, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको रेक्टेंगुलर या सिलेंड्रिकल जो शेप है उसमें मिलता है, जिससे कि बहुत काफ़ी देखने में लग जाता है कि वो पावर बैंक है। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, 3 ports मिलते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है टाइप सी, यहाँ पर आपको मिलता है इस पावर बैंक को चार्ज करने के लिए, यहाँ पर USB जो केबल है इस्तेमाल करके, यहाँ पर आपको मिलता है एक रेगुलर चार्जर।
चार्जर। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी सबसे अच्छी बात यह है कि इस पावर बैंक में आप चाहे तो टाइप सी पोर्ट के थ्रू इसको बहुत जल्दी चार्ज कर सकते हैं, प्लस आप टाइप सी पोर्ट के आउट के थ्रू आप अपने फ़ोन को भी जबर तेज़ी से चार्ज कर सकते हैं, यानी कि जो टाइप सी सपोर्ट है इसको चार्ज पावर बैंक को चार्ज करने का, और जो टाइप सी सपोर्ट है आपके मोबाइल को चार्ज करने का, ये दोनों ही सिस्टम इसमें दिया हुआ है, जो कि एक एडवांटेज है आपको और जो पावर बैंक्स हैं उनके कंपटीशन में, ये आपको एज मिलता है। अगर हम इसके वेट की बात करते हैं तो वेट काफ़ी अच्छी है इसकी, बहुत लाइट वेट है। आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपको लगेगा नहीं कि ये 10,000 mAh की कोई पावर बैंक है, ये आपको सिंपल सा एक पर्स मिलेगा जो कि नॉर्मली जो लेडीज़ और वुमेंस लेके चलती हैं, तो कुछ इस तरीके का दिखता है। और अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी जो इसकी डिज़ाइन है उसका जो इंस्पिरेशन है वो जो वुमेन और गर्ल्स हैं उनको सेंट्रिक लेते हुए जो ऐसे डिज़ाइन बनाया है कि जैसे आपको लगे ना कि ये पावर बैंक है, और ये काफ़ी अच्छी और एडवांटेज चीज़ है क्योंकि आपको खूबसूरती भी मिल जाती है, खूबसूरती के साथ एक जो ज़बरदस्त आपको फीचर मिलता है अपने स्मार्टफोन को जल्दी से जल्दी चार्ज करने का, वो भी आपको यहाँ मिल जाता है। मैं आपको बता रहा था यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का स्विच मिलेगा, यहाँ पे मोरोई की आपको जो ब्रांडिंग वो मिलेगी 10,000 mAh की जो आपको मेंशन है जो कैपेसिटी वो, और यहाँ पे आपको रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है सब आपको मेंशन किया हुआ है। मैं आपको जल्दी से जो चार्ज करके दिखा देता हूँ, दोनों ही पोर्ट से आऊँगा। ये रहा मेरा स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन से मैं आपको ये जो नॉर्मल USB केबल आता है मैं इसका इस्तेमाल किया हूँ, तो इसको हम इसमें कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा स्मार्टफोन चार्ज हो रहा है, और जब ये चार्ज होगा तो आपको यहाँ पर इंडिकेशन दिखेगा कि यहाँ पर आपका जो जैसे जैसे ये जो लाइट है वन बाय वन बंद होती जाएगी तो इसका मतलब आपका जो पावर बैंक है वो डिस्चार्ज हो रहा है, ये इंडिकेशन में आपको दिखेगा। सो फ्रेंड्स आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये मैंने जो नॉर्मल जो बिना टाइप सी वाला जो पोर्ट केबल होता है मैं उसके थ्रू इसको कनेक्ट किया मैं स्मार्टफोन से, और यहाँ देख सकते हो आपके यहाँ पे स्मार्टफोन चार्ज हो रहा है। ये रहा हम लोग का बहुत अच्छा तरीके से चार्ज कर रहा है। अगर हम और बात करते हैं इसके टाइप सी केबल वाला, तो टाइप सी केबल के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, हालांकि मेरे पास कुछ नहीं करना है, आपको अपना ये केबल यहाँ पे लगाना है। लगाने के बाद आपका जो टाइप सी है उसको अपने मोबाइल में, जब मेरा टाइप सी वाला पोर्ट नहीं है वरना मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लगा के अपनी स्मार्टफोन को अच्छे से चार्ज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसको इस पावर बैंक को चार्ज करने की, तो पावर बैंक को चार्ज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसे निकालना है, इस जो आपका चार्जर है जो अपने स्मार्टफोन का उसमें इंसर्ट करना है और इसको आपको चार्ज करना है। जैसे मैंने इसमें इन कर दिया और अब आपका इसमें जो पावर बैंक है ये चार्ज होने के लिए तैयार है, वो भी फुल टाइप सी स्पीड पर। तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी अच्छी यूज़फुल है, इवन Xiaomi जैसे आपको जो पावर बैंक्स होते हैं उसमें आपको ये फीचर्स नहीं मिलेंगे, तो ये काफ़ी अच्छी फीचर है। और मैं कहूँगा कि आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आपका पावर बैंक बहुत कम समय में टाइप सी के थ्रू चार्ज हो जाए। ये जो पावर बैंक है ऑलमोस्ट सारे जो स्मार्टफोन्स है इवन आईफोन सब के सब इससे आराम से चार्ज हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर मैं आपको दिखाऊं साइड में ये आपको चार्जिंग की जो कैपेसिटी है मतलब एक चार्ज करने की जो इंडिकेटर है वो आपको दिखाएगा कि आपको इसको कितने, जैसे 1.1 जैसे ख़त्म होता चला जाएगा वैसे आपको पता चलेगा कि आपका जो पावर बैंक है वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये सारे थी फीचर्स जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा था माय फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये रिव्यू, अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच। बट रुकिए, एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई स्पॉन्सर achamall.com विच इज़ एन ई कॉमर्स कंपनी विच प्रोवाइड्स यू द डिसेंट लेवल ऑफ डिफरेंट स्मार्टफोन एक्सेसरीज लाइक ब्लूटूथ स्पीकर्स, पावर बैंक्स एंड चार्जिंग केबल एक्सेट्रा। I will give you the link below in the description. You can check and buy a different kind of accessories at where we cover the almost every part of the India for shipping. So friends, thank you for watching my video.